एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, खाद्य एवं कृषि संगठन के 75 साल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? ए 75 रुपए, बी 80 रुपए, सी 85 रुपए या डी 90 रुपए। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नवगछिया स्कूटनी में गोपालपुर से 6 एवं बीहपुर से 2 प्रत्याशी का नामांकन रद्द। 3 नवंबर को दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव में शनिवार को स्कूटनी के दिन नौगछिया अनुमंडल के बीहपुर व गोपालपुर विधानसभा के कुल 8 प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। बीहपुर विधानसभा के 2 प्रत्याशी प्रमोद कुमार आजाद एवं प्रियतम भास्कर का नामांकन स्कूटनी में रद्द किया गया है। वहीं गोपालपुर विधानसभा से प्लूरल्स पार्टी के संध्या कुमारी, रालोसपा प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप सिंह, उमेश शर्मा, अमृतेश कुमार सिंह एवं जिला परिषद विपिन कुमार मंडल का नामांकन रद्द किया गया है। बीहपुर विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी सर DCLR परमानंद शाह ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर कुल 10 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें 2 लोगों का नामांकन रद्द किया गया है, 8 प्रत्याशी का नामांकन स्वीकृत किया गया है। वहीं गोपालपुर विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी सह SDO इंजीनियर अखिलेश कुमार ने बताया कि कुल 14 प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया था। स्कूटनी में 6 प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया, जबकि 8 प्रत्याशी का नामांकन स्वीकृत किया गया है। नवगछिया मोती यादव महागठबंधन के राजद प्रत्याशी शैलेश कुमार को देंगे अपना समर्थन, कहा पार्टी से मिला है आश्वासन, विधान पार्षद का पार्टी देगी टिकट। रंगरा प्रखंड प्रमुख संजीव कुमार उर्फ मोती यादव ने राजद प्रत्याशी शैलेश कुमार को समर्थन करने की घोषणा की है। एक प्रेस वार्ता में मोती ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया और NR भी कटवाया, लेकिन स्थानीय स्तर पर राजद कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों से एक बैठक हुई, जिसमें युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद बुलो मंडल, मुखिया दमदम यादव, प्रोफेसर रामदेव यादव, राजकिशोर यादव, पूर्व मुखिया महेंद्र यादव, प्रोफेसर शिव कुमार यादव, सचिदानंद यादव के अलावा पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक के बाद शीर्ष नेतृत्व तेजस्वी यादव के द्वारा आगामी स्थानीय निकाय के लिए होने वाले विधान परिषद के चुनाव में राजद से टिकट देने के आश्वासन पर उन्होंने अपना फैसला बदला और पार्टी के निर्णय के आधार पर उन्होंने गोपालपुर विधानसभा से राजद प्रत्याशी शैलेश कुमार को अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है। मैं प्रखंड प्रमुख संजीव कुमार मोती यादव, सह राजद नेता, मैं लगातार जनता के बीच जुड़ा हुआ हूं, जनता की सेवा कर रहा हूं और इसका कहीं ना कहीं फल दिखने को मिल रहा है, जिस कारण से कि लोग मुझे काफ़ी पसंद कर रहे हैं और पार्टी का मैं अपने आप को प्रबल दावेदार समझ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के द्वारा हमें नज़रअंदाज किया गया, जिस कारण मैं आहत हुआ और अंततः बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। हमारे निर्णय को जानने के बाद राजद के कद्दावर नेता, राजद परिवार के तमाम गोपालपुर विधानसभा के गणमान्य व्यक्ति हमारे आवास पर आकर पूरी रात हमारे साथ मीटिंग वार्ता किए, जिसमें माननीय पूर्व सांसद भाई शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल जी, राजद प्रत्याशी शैलेश कुमार यादव जी, सबों ने हमसे वार्ता की और हमें पार्टी में बने रहने के लिए हमसे आग्रह किया, जिस पे हमने कहा यदि राजद परिवार से मेरा पुराना रिश्ता है, मेरे पूर्वज का रिश्ता है और उन्होंने आज हमारी दावेदारी को नज़रअंदाज किया है और हम अपने ताकत को, हम अपने जन समर्थन को पार्टी को दिखाएंगे।
अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NAC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTech, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौबतिया 9534338689 7856914231 6206224713। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रंगराज दुर्गा मंदिर में शुरू हुई मां देवी दुर्गा की पूजा आराधना। रंगराज चौक प्रखंड के रंगराज मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग व सुरक्षा के व्यापक प्रबंध के बीच मां देवी दुर्गा की पूजा आरंभ हो गई है। नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में बहुत कम भक्त दिखे। दूसरी तरफ मंदिर में विधि विधान के साथ कलश की स्थापना की गई और पंडित शंभु कुमार द्वारा वैदिक विधान से मां दुर्गा की पूजा आराधना की गई। बाल भारती विद्यालय की छात्रा ने नीट में पाई सफलता। नवगछा के प्रोफेसर कॉलोनी की स्वाति कुमारी ने नीट में 720 अंक में से 660 अंक लाकर मेडिकल की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है। स्वाति कुमारी प्रोफेसर सुबोध कुमार यादव एवं किरण देवी की सुपुत्री हैं। सुबोध कुमार यादव बनारसी लाल सराफ कॉलेज में कार्यरत हैं। विद्यालय के प्रशासक डीपी सिंह ने बताया कि स्वाति ने नीट में ऑल इंडिया रैंक 218 एवं OBC रैंक 712 रैंक अर्जित की है। स्वाति कुमारी ने 10वीं तक की पढ़ाई बाल भारती में पूरी की थी। वहीं स्वाति के इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्य व प्राचार्य ने स्वाति को बधाई दी एवं उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। विक्रमशिला सेतु पर लगा भयानक जाम। सुबह से दोपहर तक करीब 7 घंटे तक लगा रहा जाम। बरारी और जाह्नवी गंगा घाट पर नवरात्रि के पहले दिन गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं की आवाजाही के कारण शनिवार को सुबह से दोपहर तक भयानक जाम लगा रहा, जबकि देर शाम तक विक्रमशिला सेतु वन वे ही था। जानकारी मिली है कि सुबह 5 बजे से ही दोनों गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का आवाजाही का सिलसिला शुरू हो गया था। सुबह 9 बजे तक गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं के कारण ही देखते ही देखते विक्रमशिला सेतु जाम की जद में आ गया, तो महज 1 घंटे बाद ही वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। वहीं परबत्ता थाने के थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने कहा कि देर शाम तक सेतु पर आवाजाही सामान्य हो गई थी। गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आ जाने से जाम लग गया था। नवगछिया में प्लूरल्स की प्रत्याशी संध्या कुमारी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने की प्राथमिकी। गोपालपुर विधानसभा से प्लूरल्स पार्टी की घोषित प्रत्याशी संध्या कुमारी के विरुद्ध रंगरा के अंचलाधिकारी आशीष कुमार ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में अंचलाधिकारी आशीष कुमार ने कहा है कि 15 अक्टूबर को वह अनुमंडल कार्यालय के गेट पर दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त थे। इस दौरान अपना नामांकन कराने के बाद संध्या कुमारी और उसके समर्थक ने अनुमंडल कार्यालय गेट पर नारेबाजी किया था। गोपालपुर, अपने परिजनों के साथ गंगा स्नान को गए युवक की डूबने से गई जान। गोपालपुर थाना क्षेत्र के सुखटिया बाजार पंचायत के 83 गांव निवासी देवनारायण शर्मा के 17 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार की मौत तिंटेगा करारी स्थित जहाज घाट में गंगा नदी में स्नान करने के दौरान गहरे पानी में चले जाने के कारण हो गई। बताते चले कि वह अपने परिजनों के साथ कलश स्थापन के मौके पर गंगा स्नान करने गया था। जहाज घाट पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। युवक के डूबने की सूचना अंचलाधिकारी व गोपालपुर थाना पुलिस को दिया गया, परंतु समाचार लिखे जाने तक सब बरामद नहीं हो पाया था। नवगछिया पुलिस ने ट्रक से किया 1402 लीटर शराब बरामद। जिस ट्रक के धक्के से भागलपुर के खंजरपुर निवासी राम प्रकाश चंद्र चौधरी की मौत हुई, पुलिस ने उसी ट्रक से कुल 1402 लीटर शराब बरामद किया है। ट्रक में कुल 156 कार्टून में शराब बंद है, जिसमें 36 लीटर बियर भी है। पुलिस ने शराब कारोबारी ट्रक के चालक सह मालिक बेगूसराय गढ़पुरा थाने के कोरेरी निवासी पुरुषोत्तम कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिली है कि पुलिस ने जैसे ही ट्रक को जब्त किया तो ट्रक में शराब होने की बात सामने आई, क्योंकि घटना के बाद चालक और खलासी दोनों भाग गए थे, इसलिए पुलिस ने स्वयं जांच कर चालक को पहले बुलाया फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में भी चालक ने अपना इकबालिया जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं पुरुषोत्तम ने पुलिस को यह भी बताया कि उक्त शराब अरुणाचल प्रदेश से ला रहा था और शराब को चुनाव में खपाने की योजना थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुरुषोत्तम कुमार लंबे समय से शराब के अवैध धंधे में लिप्त है। मालूम हो कि शुक्रवार की देर शाम भागलपुर के खंजरपुर निवासी स्कूटी चालक शिक्षक
राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते से मौजमा जा रहे थे। इसी क्रम में उक्त ट्रक ने पहले शिक्षक की स्कूटी में जबरदस्त धक्का दे मारा, फिर एक आइसक्रीम विक्रेता के ठेले में भी धक्का मारते हुए ट्रक को भगाने का प्रयास करने लगा। लेकिन नवगछिया 0 माइल पर तैनात पुलिसकर्मियों को पहले ही सूचना मिल गई थी कि अमुक नंबर का ट्रक धक्का मारकर भाग रहा है। 0 माइल पर पुलिस ने ट्रक को जब्त तो कर लिया, लेकिन मौके से चालक और सहचालक भागने में सफल रहा। नवगछिया के SDPO दिलीप कुमार ने कहा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। 1, 2, 3, come on! खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043-67-170। रंगरा में देर रात हुए सड़क हादसे में मारे गए 2 स्कॉर्पियो सवार की हुई पहचान। नवगछिया के रंगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 चौक से महज 50 गज की दूरी पर हुए स्कॉर्पियो और ट्रक के बीच टक्कर में मारे गए 2 स्कॉर्पियो सवार की पहचान कर ली गई है। मृतकों में एक नवगछिया के मनियामो निवासी भाजपा के जिला मंत्री अजीत पटेल के पिता रामदेव सिंह हैं तो दूसरा स्कॉर्पियो का चालक मनियामो निवासी मोहम्मद रिजवान है। जानकारी मिली है कि मनियामो निवासी भाजपा नेता के पिता रामदेव मंडल के कटिहार निवासी समधी का निधन हो गया था। रामदेव मंडल उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए गए थे, जहां से लौटने के क्रम में रंगरा चौक से महज 50 गज की दूरी पर एक ट्रक ने स्कॉर्पियो में जबरदस्त धक्का दे मारा, जिसके बाद स्कॉर्पियो पर सवार रामदेव मंडल के साथ उनके चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। देर रात रंगरा पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को स्कॉर्पियो से निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद दोनों मृतक के परिजन गहरे सदमे में हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने कहा कि भाजपा नेता के पिता की मौत से वे गहरे सदमे में हैं। इस विपत्ति की घड़ी में पूरा भाजपा परिवार जिला मंत्री अजीत पटेल के साथ है। नवगछिया के रंगरा में काम करने के दौरान करंट लगने से सेंटिंग मिस्त्री की गई जान। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के रंगरा गांव स्थित चैती दुर्गा मंदिर में छत ढलाई के लिए सेंटिंग कर रहे सेंटिंग मिस्त्री को करंट लगने से उसकी जान चली गई। मृतक की पहचान नवगछिया पुलिस जिला के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर चंडी अस्थान निवासी फूलो मंडल 40 वर्षीय पिता छत्री मंडल के रूप में की गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक रंगरा स्थित चैती दुर्गा मंदिर में अपने साथी मजदूर गाँव के ही अमित दास के साथ छत की ढलाई के लिए सेंटिंग मिस्त्री का काम कर रहा था। वह बिजली द्वारा संचालित कटर मशीन से प्लाईवुड काट रहा था। इसी दौरान अचानक पूरे मशीन में करंट प्रभावित हो गई। आनन फानन में गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे स्थानीय लोगों द्वारा रंगरा स्थित स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नवगछिया रंगरा में बकरी चोर गिरोह का पर्दाफाश। रंगरा पुलिस ने छापेमारी कर गोपालपुर थाना क्षेत्र के लतरा गांव निवासी देवेंद्र यादव के पुत्र धर्मेंद्र यादव व राजेंद्र यादव के पुत्र पांडव यादव को बकरी चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों एक बकरी पालक ने 2 बकरियों के चोरी कर लिए जाने की प्राथमिकी रंगरा थाने में दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज कर जब पुलिस अनुसंधान में जुटी तो पुलिस को एक बड़े बकरी चोर गिरोह की जानकारी मिली और गुप्त सूचना के आधार पर जब पुलिस ने छापेमारी की तो दोनों लोगों को बकरी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रंगरा और आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों हो रही बकरी चोरी की घटनाओं ने बकरी पालक करने वाले लोगों को परेशान कर दिया है। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549688888। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट,
गौशाला रोड पुरानी गैस ऑफिस के सामने नवगछिया। मोबाइल 7255-830-773 93043-67-170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई फर्स्ट फ्लोर ऑटो स्टैंड नवगछिया NH31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने नवगछिया।